हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी एक बार फिर से वेलकम है आप सबका मेरे चैनल स्वास्थ्य शिवानी के संग में। व्रत की एक और मजेदार सी रेसिपी लेके हाजिर हूँ, साबूदाने की रबड़ी। कैसे बनती है वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इजी है बनाना और खाने में तो इतनी मजेदार है कि मजा आ जाएगा, लगेगा रोज व्रत के बाद भी इस रेसिपी को आप लोग बनाने का मन करेगा। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं इस मजेदार सी रबड़ी को बनाना। साबूदाने की रबड़ी बनाने के लिए गैस पर रखी हमने एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम अच्छे से देसी घी लगाकर कढ़ाई को ग्रीस कर देते हैं। घी लगाने से क्या होता है कि दूध को हमें लगातार चलाना नहीं पड़ेगा और हमारा नीचे साबूदाना और दूध तले में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब हम कढ़ाई में डाल रहे हैं 1.5 लीटर दूध। दूध ही हमारा पहले से बॉईल किया हुआ है, आप कच्चा भी ले सकते हैं और बॉईल किया हुआ ले सकते हैं। अब दूध को एक उबाल आने तक हम इसको उबाल लेंगे, लगातार चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने नीचे घी को लगा दिया है। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। दूध में अच्छे से बॉईल आने लगा है और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप साबूदाना, ये हमने भिगो कर रखा हुआ है। और 1.5 लीटर हमारा दूध था, इसका ये रेशियो अगर 1 किलो दूध है तो 1 कप भीगा हुआ साबूदाना और 1.5 लीटर हमने दूध लिया तो ये 1.5 कप हम साबूदाना इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छी ये रबड़ी बनके तैयार होती है। व्रत में भी बनाइए, व्रत के अलावा भी आप इसको बनाइए और प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक टिप्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये रबड़ी आपकी गाढ़ी मलाईदार कैसे बनके तैयार होगी। फ्रेंड्स, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छी अच्छी न्यू रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करूं। साबूदाने को हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम 1-1.5 मिनट चलाएंगे, लगातार चलाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी आप लोग को बताया, हमने इसमें नीचे कढ़ाई में घी लगा दिया है तो ये तले में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब इसको हम बॉईल होने देते हैं 1-1.5 मिनट या 2 मिनट और फिर अब इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे। लगभग 1.5 मिनट तक बॉईल होने के बाद दूध और साबूदाना ये देखिए गाढ़ा होने लगा है। अब इस समय हम ऐड करेंगे चीनी और 1.5 लीटर दूध में हमारा 1.5 कप साबूदाना था तो हम इसमें 1/2 कप चीनी डाल रहे हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज्यादा या कम कर सकते हैं क्योंकि रबड़ी बहुत मीठी नहीं अच्छी लगती है। चीनी को हम चला देते हैं और अब इसमें हम डालेंगे, हमने 1 टेबल स्पून दूध में केसर भिगो कर रखा हुआ था, ये केसर वाला दूध भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसमें इसके साथ ही ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ताजे दूध की मलाई। इसको मिक्स कर देते हैं और इसको भी हम गाढ़ा होने देते हैं। 5 मिनट रबड़ी बॉईल होने के बाद ये देखिए साइडों में इसकी खुरचन जमा होने लगी है और रबड़ी का मजा तो खुरचन में ही आता है। अब एक हम नुकीला सा स्पून लेके इसके खुरचन को सब छुड़ा के इसको वापस बीच में डाल देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी खुरचन बन रही है, ये सब हम बीच में डाल देंगे और इसको अभी और गाढ़ा होने देंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, बहुत लोग रबड़ी में इलायची पाउडर नहीं पसंद करते हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर मत डालें, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। ये हमने मिक्स नट्स काट के रखे हुए हैं जिसमें काजू और बादाम है, 2 टीस्पून के लगभग है, वो इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ। इसको चला देते हैं और अभी रबड़ी को हम 5 मिनट और गाढ़ा होने देंगे। बहुत ज्यादा नहीं गाढ़ा करेंगे क्योंकि रबड़ी रखने के बाद गाढ़ी और हो जाएगी, साबूदाना बहुत फूलता है। इसको चला लेते हैं और इसको 5 से 6 मिनट बस और हम इसको बॉयल कर लेते हैं और ये देखिए
रबड़ी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। अभी आपको ये थोड़ी पतली लग रही होगी कि रबड़ी जैसा गाढ़ा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी ये ठंडी होने के बाद बिल्कुल रबड़ी जैसी गाढ़ी हो जाएगी। अभी आप इसका टेक्सचर देखिए, कितना बढ़िया, कितना अच्छा कलर, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, कितनी अच्छी ये साबुदाने की रबड़ी लग रही है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। और ये लीजिए, रबड़ी ठंडी होने के बाद सर्व करने के लिए तैयार है। अब इसको मैं गार्निश कर देती हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट से और थोड़े से केसर के धागों से। मजेदार सी रबड़ी बनकर तैयार है, एंजॉय करिए और प्लीज रेसिपी को अपनों के साथ शेयर जरूर करिए। मैं आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।